प्रिय दर्शकों नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अकल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया, किसी रूप से बातें की हैं, अकल इसे माने या ना माने। ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। Thank you.
डॉक्टर, क्या हुआ? क्या हुआ सुलोनी, क्या हुआ? What happened? डॉक्टर कोई है मेरे पीछे, कोई है डॉक्टर, डॉक्टर कोई है मेरे पीछे। नॉनसेंस, कोई नहीं है तुम्हारे पीछे, देखो कुछ नहीं है, कोई नहीं हुआ। मैंने कुछ देखा है डॉक्टर, मेरे साथ कुछ डॉक्टर, डॉक्टर। देखो देखो सुलोनी, इस प्रोफेशन में ऐसे एटीट्यूड के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें डर लगता है तो नौकरी छोड़ो और घर पर बैठो। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, हेलो हेलो हेलो, रंजीता रंजीता प्लीज, अगर तुम हो तो मुझसे बात करो रंजीता। हेलो प्लीज बात करो रंजीता, रंजीता प्लीज प्लीज, मेरी बहन मैं बहुत मिस करती हूँ तुझे, प्लीज बात कर मुझसे प्लीज रंजीता, रंजीता प्लीज बात करना प्लीज, तुझे मेरी कसम रंजीता प्लीज, आई मिस यू रंजीता प्लीज, बात कर मुझसे। बात कर रही हो? रंजीता, आइता, फोन, रंजीता।
अंजिता को ये क्या किया आपने? छह महीने के बाद फोन किया था उसने, अंजिता का फोन था, डिस्कनेक्ट कर दिया आपने फोन। खबरदार जो आज के बाद कभी इस रंजिता का नाम भी लिया तो जाने किसके साथ मुकाला करके भाग गए हो, हमें तो बदनाम करके रख दिया। नहीं, नहीं, जाने वो किस मुसीबत में है, वो कैसे भागी नहीं, भागी नहीं, उसे किसी ने जबरदस्ती कैद करके रखा है, मैं सच कह रही हूँ। एक संगीता, आज के बाद अगर तूने कभी रंजिता का कोई फोन अटेंड किया या उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो समझ ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आपको क्या हो गया है? क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। ऐसा नहीं था इसीलिए तो तेरे जैसी गले पड़ गई मेरे, और ऊपर से तेरी बहन करेला नीम चढ़ा आवारा बदचलन। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप उसे गाली नहीं दे सकते। उससे जुबान लड़ाती है? तेरी इतनी हिम्मत मुझे गिराया तूने, इतनी जरूरत हो गई तेरी? मैं तो यही हूँ, मैंने नहीं गिराया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं गिराया। अंधा समझती है मुझे, देखभाल नहीं सकता, अब तू मुझ पे हाथ भी उठाएगी? तेरे अलावा यहाँ है कौन? सच कह रही हूँ, मैंने आपको नहीं गिराया। मैं कितनी बार आपसे कहा ना अपने गंदे दोस्तों की संगत छोड़ दो, नशे में आपको समझ में नहीं आता, मैंने नहीं गिराया। इतनी रात को कौन हो सकता है? अरे रंजिता तुम? हाँ मैं। इतनी रात के? आओ अंदर आओ। रंजिता बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, फिर भी तुम भीगी नहीं? दरअसल एक कार वाले ने मुझे लिफ्ट दे दी थी, इसलिए मैं बिल्कुल भी भीगी नहीं। चलो अच्छा हुआ, वरना मौसम इतना खराब है कि तुम्हें सर्दी जुकाम हो जाता। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे कमरे में जाके सो, मैं अभी आती हूँ।
अच्छा हुआ तुम आ गई। अच्छा ये बता, इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थी? तुम्हारे मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो रहे थे। देख, मैं तुझे अभी कुछ ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, बस इतना समझ ले कि मैं अपनी दीदी के लिए ही इधर उधर भटक रही हूँ। दीदी के लिए? मैं समझी नहीं। अच्छा छोड़, पहले तू ये बता कि तू चाय पिएगी या कॉफी? कुछ भी नहीं, मैंने तुझे इस वक्त परेशान किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ। खैर चलो कोई बात नहीं, हम बात सुबह कर लेंगे। चलो मैं तुम्हें दूसरे बेडरूम में लेके चलती हूँ। आओ आओ, ये मेरे मम्मी पापा का कमरा है। मम्मी पापा भी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, तुम तब तक आराम करो। कपड़े दूं चेंज करने के लिए? थैंक यू सो मच वीना, मैं ऐसी ठीक हूँ। अच्छा चलो सुबह मिलते हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मैं रंजीता की सहेली वीना बोल रही हूँ। हाँ, बोलो। एक्चुअली मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस वक्त रंजीता मेरे घर में है। तुम्हारे घर में? कैसी है वो? वो ठीक ठाक है, वो सो रही है। ठीक है, उसको सोने दो। इस वक्त मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती क्योंकि वो घर पर है, सो रहे हैं। मैं कुछ बहाना करके कल सुबह तुम्हारे घर पर आती हूँ। ठीक है? ओके फाइन, बाय, गुड नाइट। रंजीता वो शायद बाथरूम में होगी, मैं देख के आती हूँ। रंजीता कहाँ है? दीदी वो बाथरूम में नहीं है। बाथरूम में भी नहीं है? तो कहाँ गई वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद उसने रात को हमारी बातें सुनी हो फोन पर, इसलिए वो आपके आने से पहले चली गई।
हो सकता है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ ही होना चाहिए था। पर अभी जब आप आई तो दरवाजा मैंने खोला था, और रात को दरवाजा मैंने ही लॉक किया था। फिर जब वो अगर बाहर गई है तो अंदर से दरवाजा किसने बंद किया? पता नहीं, लेकिन वीना अगर तुम्हें वो दोबारा मिलती है तो प्लीज उससे पूछना कि वो अपनी दीदी से क्यों भाग रही है। दीदी, रात को जब उसने मेरे से बात की तो उसने कहा मैं अपनी दीदी की वजह से ही भटक रही हूं। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों? ये लीजिए चाय। क्या हुआ? तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं तो? क्या हो रहा है? अब भी नहीं सुनी आवाज? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। अरे क्या हुआ? तुम बैठो, मैं अभी आया। हमारे मुंह पे इस उम्र काली पोती तो नहीं, और जब इतने दिनों तक घर से गायब थी तो अब यहाँ आने की जरूरत क्या थी? और क्या समझ कर आए हैं तू कि हम तुझे पालेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। इससे पहले तेरे आने का पता तेरी माँ को चल जाए, तू यहाँ से चली जा। किससे बात कर रहे हो आप? देखा, मेरी आवाज वहां तक पहुंच गई है, मैं उसे यहाँ आने से रोकूंगा। चुपचाप चल जा यहाँ से, हमारे लिए तू बिल्कुल मर चुकी है। आप वहां पर किससे बात कर रहे थे? कहीं रंजीता तो नहीं थी वहां पर? हाँ वही है। रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं उधर जाने की। मैं जरूर जाऊंगी। रंजीता, रंजीता, रंजीता। अच्छा हुआ चली गई, नहीं तो धक्के देकर निकाल देता मैं। मेरी बेटी रंजीता, रंजीता आ गई मंदिर से? कौन से मंदिर गई थी ये भी बता दे। अब तेरी ये मजाल, मेरी बात का जवाब भी नहीं देगी तू? शेव कर लूं अभी बताता हूं तुझे। अरे अरे छोड़ मेरा हाथ। अरे क्या कर रही है? छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ, छोड़। अरे छोड़। आ, 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 ये तो कट गया है। देख क्या किया तूने?
से, बता कहाँ गई थी तू? मंदिर। मंदिर में इतनी देर नहीं लगती, सच सच बता कहाँ गई थी तू? मीना के घर गई थी, उसने कहा था कि रंजीता उसके घर पर है। क्या? रंजीता? देख संगीता, रंजीता इस दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन मैं उसके नाम को इस घर में दोबारा नहीं सुनना चाहता। अगर मैंने रंजीता को कभी इस घर में देख लिया तो तुझे और रंजीता को इस घर से निकाल के बाहर फेंकूंगा, समझी? हो गई, लेकिन आपके बहुत खून बह रहा है, मैं दवाई लगा दूं? जा, ले क्या? सुनिए जी, लगा। आ, ये क्या कर रही है तू? जान से मारेगी क्या मुझे? जब से अपनी मनुष्य शक्ल लेकर तू मेरी जिंदगी में आई है, तब से मनुष्य कर दी मेरी जिंदगी तूने, आराम कर दी है मेरी जिंदगी, बनावती बनकर इस घर में बस गई है तू। तू मर क्यों नहीं जाती? बर्बाद कर दी है मेरी जिंदगी। मंदिर जाएगी। छोटा मोटा कट समझ के यूं ही छोड़ना नहीं चाहिए, सेप्टिक हो जाता है। मैं तुम्हें एंटीसेप्टिक इंजेक्शन भी लगा देती हूँ। खूबसूरत नर्स से दोस्ती करने के कई फायदों में से एक फायदा यह भी है, सेप्टिक नहीं होता। तो फिर इस खूबसूरत नर्स से हुई दोस्ती को शादी में क्यों नहीं बदल देते? मैं क्या करूं, मैंने संगीता पर इतनी ज्यादती करी, इतने जुल्म किए, लेकिन पुराने जमाने की सती देवी की तरह मेरे गले में हड्डी बनकर फंसी हुई है। मैं तंग आ चुका हूं उससे, लेकिन 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 छोड़ो नागेश, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। एनीवे, रहने दो, फिलहाल मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा देती हूँ, बातें बातें होती रहेंगी। क्या हुआ? पता नहीं, मेरा हाथ ही आगे नहीं बढ़ रहा। होता है, मोहब्बत में कभी कभी ऐसा भी होता है। लगाओ लगाओ। क्या किया तुमने? ये हरकत अगर संगीता ने की होती तो मैं उसे जान से मार देता, लेकिन क्या किया तुमने? नागेश, I'm sorry, मेरा विश्वास करो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ के खींच दिया हो। क्या कह रही हो तुम? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा था, शेव कर रहा था, लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ कर मेरे गाल पर रख दिया। और ये तुम क्या कह रहे हो नागेश? लेकिन मुझे लगा था वहां वो हरकत संगीता की हो सकती है, लेकिन यहाँ तो संगीता नहीं।
क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो? क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? आजकल तो टीवी पर भूत प्रेत के ड्रामे देख देख कर बच्चों के दिमाग से भी भूत प्रेत का डर निकल चुका है। और तुम? नागेश, मैं सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। पिछले दो हफ्तों से हॉस्पिटल में भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है। मेरा यकीन मानो, जब भी उस हादसे को याद करती हूँ मेरा बदन कांप जाता है। वैसा ही कुछ अभी मैंने महसूस किया है। ये तुम क्या कह रही हो सलोनी? हाँ नागेश, मैं सच कह रही हूँ। मैं बहुत अकेली रह चुकी, अब मुझे अकेली नहीं रहना। तुम्हें इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा नागेश, कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाँ सलोनी, कुछ तो करना ही होगा। इसका कोई दूसरा ही इंतजाम करना होगा। अरे रंजिता, तू? तू भी कमाल करती है, कहाँ गायब हो गई थी उस दिन? दीदी भी आई थी, बहुत परेशान हो रही थी वो। जानती हूँ, उनकी परेशानी दूर करने के लिए तो मैं इधर उधर भटक रही हूँ। लेकिन रंजिता, बात क्या है? दीदी भी उस दिन आई थी जीजाजी को बिना बताए। घर में कुछ खटपट हो गई है क्या? खटपट? खटपट होती तो कोई बात भी थी, यहाँ तो मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। कैसे बताऊं तुझे? दरअसल जीजा जी का किसी और। बीना! दीदी, रंजिता, दीदी मैं अभी आई। बढ़िया दीदी कहने वाली, जाने से पहले ये भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। दीदी, आपने भी मुझे और उन जैसा गलत समझा? नहीं मेरी बहन, नहीं। दुनिया चाहे तुझे कुछ भी समझे, लेकिन तेरी बहन तुझे कभी गलत नहीं समझेगी, कभी भी नहीं। मैं जानती हूँ दीदी, आपने मुझे बचपन से इतना प्यार दिया, मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तभी तो अपनी दीदी को इतना परेशान कर रही है, हा? मुझे सच सच बता, तू अब तक कहाँ थी, क्या कर रही थी? और ये बिना से क्या कह रही थी कि तेरे जीजा जी का ये सब क्या हो रहा है? दीदी, दीदी वो क्या? मैं जानती हूँ कि नागेश तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तुमसे बेहद नफरत करता है, यहाँ तक कि तुम्हारा सिर्फ नाम सुनते ही वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। लेकिन लेकिन रंजिता, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना। नहीं दीदी, मुझे छूना मत। दीदी मुझे छूना मत। क्यों क्यों रंजिता क्यों? इसकी वजह बताऊंगी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। देखो रंजीत,
अगर तुमसे कोई भूल हो गई हो या फिर जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। नहीं दीदी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। रंजीता मेरी बात सुनो, रंजीता मेरी बात सुनो, रंजीता प्लीज मेरी बात सुनो। क्या हुआ दीदी? रंजीता वो भी भाग के बाहर गई है। मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो गई है बाहर, चलो मेरे साथ। रंजीता, रंजीता, ये रही वो दवा, इसे आधे ग्लास पानी में मिला के संगीता को पिला देना। पिला दिया तो फिर क्या, उस पे बेहोशी छाने लगेगी, उसका जी घबराने लगेगा और फिर तुम मुझे फोन कर देना, मैं आऊंगी और आके उसे इंजेक्शन लगा दूंगी। उसके बाद क्या करना है ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। ये तुम मुझ पे छोड़ दो। अरे दीदी, तुम वीना के घर से यहाँ क्यों चली आई? यही बात तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम वहां से क्यों भाग कर आई? इसलिए कि मैं अब तक खामोश रही। दीदी, मैंने आपके ऊपर होते हुए सारे अत्याचार, सारे अन्याय सहन किए, पर अब नहीं, अब वो अन्याय करने वाला आपको अपने रास्ते से हटा देना चाहता है, वो आपको मारने आ रहा है। दीदी, किसकी बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारे तुम्हारे जीजा? हाँ दीदी, मैं उसी आदमी की बात कर रही हूं। नहीं, तुम झूठ कह रही हो, ये सच नहीं है। मैं झूठ नहीं, सच कह रही हूं दीदी। उस आदमी का एक गिरी हुई औरत सलोनी के साथ संबंध है और उन दोनों ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश की है। नजीता, तुम मेरे पति को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। वो मेरे पति परमेश्वर है, समझी? तुम झूठ बोल रही हो। नजीता, दीदी, तुम उसे क्या मारोगी जिसे किसी ने पहले ही मार डाला है? क्या? हाँ दीदी, आप जानना चाहती हो ना कि मैं 6 महीने पहले कहाँ थी, क्या कर रही थी? तो सुनो, आज से ठीक 6 महीने पहले
हत्या की गई थी। क्या?